हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर में। और आज हम बात करेंगे LIC की बीमा रत्न प्लान के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब करें और इंश्योर करें कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हमेशा आप तक पहुंचती रहे। तो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने 27 मई 2022 को बीमा रत्न नाम से एक नई नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग योजना शुरू की है। यह एक एंडोमेंट प्लान है जिसे पॉलिसी धारक के जोखिम को कवर करने और भविष्य में उनके खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य LIC एंडोमेंट प्लान की तरह बीमा रत्न प्लान भी सुरक्षा और बचत का एक संयोजन प्रदान करती है। ये प्लान पॉलिसी अवधि के अंत में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने की स्थिति में मैच्योरिटी लाभ और पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में मृत्यु लाभ प्रदान करती है। इस वीडियो में हम LIC बीमा रत्न योजना में निवेश करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और योजना के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें कि जेंडर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। न्यूनतम बीमित राशि 5 लाख और अधिकतम बीमित राशि की कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी में प्रवेश करने के लिए बीमित व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 साल की होनी चाहिए 15 वर्ष की पॉलिसी टर्म के लिए, 90 दिन की होनी चाहिए 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए और 90 दिन की होनी चाहिए 25 साल की पॉलिसी टर्म के लिए। वहीं पॉलिसी में प्रवेश करने के लिए बीमित व्यक्ति की अधिकतम आयु यानी कि मैक्सिमम एज 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 55 साल, 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 50 साल और 25 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 45 साल की होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म 15, 20 और 25 साल का होगा। न्यूनतम पॉलिसी मैच्योरिटी आयु 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 20 साल, 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए भी 20 साल और 25 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 25 साल की आयु। अधिकतम पॉलिसी मैच्योरिटी आयु 15 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 70 साल, 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए भी 70 साल और 25 साल की पॉलिसी टर्म के लिए भी 70 साल। प्रीमियम भुगतान टर्म 15 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 11 साल, 20 वर्ष की पॉलिसी टर्म के लिए 16 साल और 25 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 21 साल। प्रीमियम भुगतान मोड मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। योजना के आधार व्यक्तिगत है। अब अगर बात करें इस प्लान के एडवांटेजेस के बारे में, तो LIC की बीमा रत्न एक गैर लिंक्ड गैर पार्टिसिपेट प्लान है। पॉलिसी अवधि के अंत में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर मैच्योरिटी लाभ और पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृत्यु लाभ प्रदान किया जाता है। मृत्यु और मैच्योरिटी बेनिफिट अतिरिक्त गारंटीड एडिशंस के साथ आते हैं, जो मूल बीमा राशि के साथ जोड़कर अंतिम भुगतान बढ़ जाता है। अर्धवार्षिक या यूं कहूं कि हाफ ईयरली और एनुअली प्रीमियम भुगतान पर प्रीमियम में छूट दी जाती है। प्रीमियम पर छूट 10 लाख से अधिक मूल बीमा राशि पर लागू है। यदि प्रीमियम का भुगतान 2 वर्षों के लिए किया जाता है तो पॉलिसी धारक को समर्पण मूल्य के 90% तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो बीमा रत्न योजना में निवेश करने के लिए न्यूनतम 5 लाख का बीमा राशि होना अनिवार्य है और अगर प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अगर प्रीमियम पेमेंट की बात करें, तो अगर पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो मूल बीमा राशि 10 लाख की होगी, उम्र 30 साल और वार्षिक प्रीमियम 1,08,450 रुपए का। पॉलिसी टर्म अगर 25 साल का है तो मूल बीमा राशि 5 लाख की होगी, उम्र 30 साल और वार्षिक प्रीमियम 30,900 रुपए का। अब अगर बीमा रत्न प्लान के बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। LIC बीमा रत्न प्लान में अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी मैच्योरिटी अवधि तक जीवित रहता है तो उसे मूल बीमा राशि का 50% भुगतान किया जाता है। गारंटीड अतिरिक्त, इस योजना में LIC प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि में गारंटीड अतिरिक्त जोड़ देता है। पहले से 5वें पॉलिसी वर्ष तक गारंटीड अतिरिक्त
₹50 प्रति हजार मूल बीमित राशि पर अर्जित होते हैं। छठे से दसवें पॉलिसी वर्ष तक गारंटीड अतिरिक्त ₹55 प्रति हजार मूल बीमित राशि पर अर्जित होते हैं। इसी तरह 11वें से 25वें पॉलिसी वर्ष तक गारंटीड अतिरिक्त ₹60 प्रति हजार की मूल बीमित राशि पर अर्जित होते हैं। डेथ बेनिफिट। पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को एक मुश्त राशि प्रदान किया जाता है। मृत्यु लाभ मूल बीमा राशि का 125% होगा, जो वार्षिक प्रीमियम राशि का 7 गुना होगा। अंतिम मृत्यु लाभ राशि का भुगतान मृत्यु के समय तक पॉलिसी धारक के जमा किए गए गारंटीकृत अतिरिक्त के साथ किया जाता है। टैक्स बेनिफिट। इस योजना में पॉलिसी धारक के भुगतान किए गए प्रीमियम और पॉलिसी से अंतिम आय को क्रमशः सेक्शन 80C और सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए पात्र माना जाता है और टैक्स बेनिफिट प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, LIC की बीमा रत्न योजना में निवेश करने से कई सारे लाभ मिलते हैं। यह एक एंडोमेंट प्लान है जो पॉलिसी धारक को अधिक लचीलापन प्रदान करती है, जिससे उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। लंबी अवधि की पॉलिसी में पॉलिसी धारक को अधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा और हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको सही सही और आसान भाषा में उत्तर दे सकूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।